प्रदेश भर में हो रही मिलावट के खिलाफ कार्यवाही से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। उसी क्रम में शुक्रवार को दौसा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मिलावट की सूचना पर दौसा मुख्यालय पर तीन कार्रवाई की। तीनों ही कार्रवाई रेलवे स्टेशन के सामने तिवारी रेस्टोरेंट एंड मिष्ठान भंडार व जैन धर्मशाला में बिना नाम के दो मिष्ठान की दुकान पर कार्यवाही की। जैन धर्मशाला के बाहर बानी दुकानदार खाद्य सामग्री खुले व धूप में रखने पर बेचने पर फूड इंस्पेक्टर ने दुकानदारों को चेतावनी दी गई है। साथ ही बर्फी, कलाकंद और इमरती में जरूरत से ज्यादा फूड कलर मिलाने पर इमरती के भी सैंपल लिए गए हैं। फूड इंस्पेक्टर प्रकाश सैनी व मुकेश प्रजापत की टीम ने बताया कि काफी दिनों से मिलावट की व धूप में और खुले में रखकर सामान बेचने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते जिला कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इनमें तीन दुकानों से सैंपल लिए गए हैं, जिनके सैंपल लेने के बाद जांच के लिए भेजे जाएंगे और जांच में जिस प्रकार की रिपोर्ट आती है उनके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मिलावट के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। ये तो ठंडी के लिए मिला के लो। आज रेलवे स्टेशन जैन धर्मशाला के बाहर संचालित मिठाइयों की दुकानों की कलेक्टर साहब की शिकायत थी। उनके मौखिक निर्देशानुसार आज कार्रवाई की गई है, जिस पे बर्फी, इमरती और कलाकंद के तीन नमूने लिए जाकर कार्रवाई के लिए आगे नमूने भेजे जा रहे हैं। रिपोर्ट आने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और इन दुकानों पर बनने वाली मिठाइयाँ, जैसे कि इमरती है, उनमें फूड कलर लिमिट से ज़्यादा डाला जा रखा है, उसकी समझाइश की जा रही है और उनका सैंपल लेकर आगे प्रेषित किया जाए। कई प्रतिष्ठानों पर देखा गया है कि खुले में भी मिठाई रखी गई है, कई पकवान रखे हुए, क्या कहना है इनके लिए? इनको समझाइश की गई है कि जो भी खाद्य सामग्री है उसको ढककर रखें और बाहर खुले में नहीं रखें, धूप में नहीं रखें। कुल टोटल कितनी कार्रवाई हुई है आज? आज तीन कार्रवाई हुई है कुल मिलाकर। आपका नाम? प्रकाश चंद सैनी, खास सुरक्षा अधिकारी दौसा।